हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ नवाज सर। और आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ की वर्कशीट नंबर 33, जो कि इंग्लिश की वर्कशीट है। और ये ग्रामर का टॉपिक है हमारा, मोडल्स, उसकी ये वर्कशीट है। तो आइए सो करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वी लर्न अबाउट मोडल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी परमिशन इन प्रीवियस वीक। दिस वीक वी विल लर्न अबाउट मोडल्स ऑफ ऑब्लिगेशन, सजेशन एंड एडवाइस। देखो, पिछली वर्कशीट के अंदर आपने मोडल्स जो पढ़े थे वो प्रोबेबिलिटी के थे और परमिशन के थे, है ना। और आज जो हम मोडल्स करने जा रहे हैं वो ऑब्लिगेशन है, सजेशन है, एडवाइज है, ठीक है। ऑब्लिगेशन आपका होता है कि आपकी ड्यूटी बनती है, हाँ वो आपको करना है, आपका कर्तव्य है वो। और सजेशन होता है जस्ट एक सलाह, एक इनफॉर्मल अनौपचारिक सी सलाह कि हाँ भाई ये कर ले, तेरी मर्जी, करना है कर, नहीं करना मत कर। और एडवाइस भी सलाह होती है, पर ये फॉर्मल औपचारिक होती है। एडवाइस आपको वही दे सकता है जो उस फील्ड में काम कर रखा है, उसके पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस है, वो आपको एडवाइस देता है। और एडवाइस 95% हम फॉलो करते हैं, पर सजेशन होता है कि हाँ हमारी मर्जी है, कर लेंगे, ठीक है, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है सजेशन में और एडवाइस में। सजेशन कोई भी दे सकता है, एडवाइस आपको सिर्फ उसको, अगर उस चीज़ का एक्सपीरियंस है तो वही आपको एडवाइस देगा। तो आइए थोड़ा पढ़ते हैं। मोडल्स ऑफ ऑब्लिगेशंस, अब देखो ऑब्लिगेशन यानी कर्तव्य बनता है हमारा, ड्यूटी है हमारी, करना ही करना है हमको। तो मोडल्स ऑफ ऑब्लिगेशंस आए हैं हमारे मस्ट और हैव टू, ये ध्यान रखना आप। मस्ट मतलब होता है कंपलसरी है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही करना है। और हैव टू का मतलब भी होता है कि हाँ मेरी ड्यूटी बनती है, मुझे करना है तो करना है, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। अब देखो मोडल्स ऑफ सजेशन, ये होता है कुड यानी सलाह, कुड, हाँ कर लो यार, तुम्हारी मर्जी है, देख लो तुम्हें करना है तो करो, नहीं करना मत करो। आपको किसी ने सलाह दे दी, भाई बाल कटा ले यार, अच्छे नहीं लग रहे, हाँ तो आपने देखा हाँ देखूंगा कटा लूँगा, नहीं तो मेरी मर्जी है, मेरी कटाऊँ ना कटाऊँ, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये सजेशन है कि भाई बाल कटा ले, तो यहाँ कुड इस्तेमाल होगा, ठीक है। मोडल्स ऑफ एडवाइस, अब देखो एडवाइस, ये सजेशन भी आपका नाउन है, एडवाइस भी आपका नाउन है, ध्यान रखना। और सजेशन का जो वर्ब है वो सजेस्ट होता है, एडवाइस का जो वर्ब है वो एडवाइस होता है, ऐसा आ जाता है उसमें सी की जगह। तो मॉडल ऑफ एडवाइस ये होता है ऑट टू और शुड। अभी देखो एडवाइस जो होती है ना, ये फॉर्मल होती है, यानी ये आपको कोई दे रहा है तो मतलब आप उसको फॉलो करोगे, आप उसको अपनाओगे। जैसे किसी ने कहा भाई बीमार है, तेरे को डॉक्टर के पास चला जा, दिखा ले, नहीं तो हालत और ख़राब हो जाएगी तेरी। तो देखो ये एडवाइस है, ये आप बीमार हो आप फॉलो करोगे, ठीक है, ये एडवाइस है। आइए नीचे और पढ़ते हैं। लेट अस रीड एग्जांपल्स, अब देखो एग्जांपल पढ़ते हैं हम। मॉडल, पहला मॉडल मस्ट एंड हैव टू। अब ये कहाँ यूज़ होता है, ये होता है कंपल्शन एंड स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। कंपल्शन का मतलब होता है जहाँ पे एकदम 110% आपको करना ही करना है और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, कंपल्सरी है। एंड स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन मतलब आपका कर्तव्य बनता है, आपकी ड्यूटी बनती है, आपको ये करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए इसके, एवरीवन मस्ट सबमिट द वर्क बिफोर सैटरडे। अब टीचर ने कुछ काम दिया है, टीचर ने उसकी डेडलाइन सेट कर रखी है, डेडलाइन बोले तो कि भाई इसके बाद आप नहीं दे सकते। तो टीचर ने बोला हर बंदा, हर कोई अपना वर्क सैटरडे से पहले सबमिट कर देगा। तो ये क्या है, ये टीचर ने यहाँ कंपल्शन डाल दिया, टीचर ने कंपलसरी कर दिया, हाँ भाई सैटरडे के बाद कोई नहीं करेगा, सैटरडे से पहले ही करना है। तो देखो यहाँ क्या है, कंपल्शन का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हमने मस्ट, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, सैटरडे से पहले देना है तो देना है। नाउ आई हैव टू वॉश डिशेज टूडे, आज मुझे बर्तन धोने हैं। तो ये क्या है, ये मेरा ऑब्लिगेशन है, ये मेरी ड्यूटी है, भाई काम वाली मेरी छुट्टी पे चली गई है ना, अब और कोई घर में ऑप्शन नहीं है और कोई राजी नहीं है धोके, तो मुझे ही धोने हैं आज, तो मेरी ड्यूटी बनती है। डिशेज मतलब होता है बर्तन। तो यहाँ देखिए हैव टू का इस्तेमाल हुआ। नाउ यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर, भाई यहाँ पे बीड़ी मत पियो, यहाँ पे सिगरेट मत पियो, और कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास, नहीं जुर्माना काट देंगे तुम्हारा, ठीक है। तो ये भी आपका स्ट्रांग ऑब्लिगेशन है। जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल है, वहाँ बीड़ी सिगरेट पीना मना होता है, तो वहाँ देखो वहाँ लिखा रहता है नो स्मोकिंग एरिया, है ना, यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर, आपको यहाँ पे बीड़ी नहीं पीनी है, सिगरेट नहीं पीनी है, ये भी आपकी स्ट्रांग ड्यूटी है। नाउ ऑट टू, ड्यूटी, आइडल एंड मॉरल ऑब्लिगेशन। अब देखो ऑट टू वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पे आपकी ड्यूटी बन जाती है। देखो ऊपर भी था स्ट्रांग ऑब्लिगेशन, नीचे भी है, तो ऑट टू यहाँ पे होता है कि आपकी सामाजिक कर्तव्य है, आपका मॉरल ऑब्लिगेशन है, आइडल है, हाँ आपको इसे कर लेना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, या फिर आपकी ड्यूटी है, वहाँ ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं। आई ऑट टू कॉल माई ग्रैंड पेरेंट्स मोर ऑफन, मुझे अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी को कॉल करना चाहिए, मुझे ज़्यादा कॉल करनी चाहिए उनको, मोर ऑफन।
तो ये एक तरीके से मेरा एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, सामाजिक कर्तव्य। हाँ भाई वो बूढ़े लोग हैं, थोड़ा हाल वाल मेरे को पूछना चाहिए उनका, ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए उनको। देयर ऑट टू बी मोर लाइब्रेरीज इन द कम्युनिटी। अब देखो यहाँ पे एक आइडियल एक बोला गया है, एक आइडिया दिया गया है कि भाई हमारी कम्युनिटी में थोड़ी लाइब्रेरीज ज़्यादा होनी चाहिए। नाउ थर्ड, यू ऑट टू हेल्प योर नेबर, दे आर क्वारंटीन एट होम। देखो तुम्हें अपने नेबर्स की हेल्प करनी चाहिए बिकॉज वो लोग क्वारंटीन है होम में, यानी उनको क्वारंटीन कर रखा है, वो बाहर जा नहीं सकते, तो राशन पानी आप उनको ला के दो, दूध आप उनको ला के दो, है ना। ये भी क्या बनता है, आपका मॉरल ऑब्लिगेशन, आपका सामाजिक कर्तव्य बनता है कि आप अपने पड़ोसी की मदद करो। अब आते हैं हम थर्ड पे, शुड। अब देखो शुड का इस्तेमाल होता है एडवाइस के लिए, एडवाइस बोले तो सलाह, और सलाह कौन देगा, जो उस फील्ड में काम कर रखा है, जिसके पास उसका एक्सपीरियंस है या उसके बारे में जानता है, वो आपको एडवाइस देगा। और एडवाइस फॉर्मल होती है, लगभग आपको वो आप लेते हो एडवाइस, ठीक है। तो एडवाइस का एग्जांपल पढ़ते हैं, वी शुड नॉट विजिट क्राउडेड प्लेसेस, हमें भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना चाहिए। ये एडवाइस है, ये बिल्कुल फॉलो करते हो आप, नहीं जाते हो, है ना। इस टाइम कोरोना टाइम में तो खास करके आप भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर ही रहते हो। नाउ सेकंड, यू शुड हेल्प एट होम, तुम्हें अपने घर पे मदद करनी चाहिए, घर के काम में तुम्हें हाथ बटाना चाहिए, है ना। तो ये भी एक अच्छी एडवाइस है। नाउ अब आते हैं कुड के ऊपर, ये है माइल्ड सजेशन। माइल्ड मतलब होता है नॉर्मल सा, एक सलाह, मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, और इसमें 50-50 पर चांस होते हैं। ये माइल्ड सजेशन कुड वाले के अंदर हम हमारी मर्जी होती है हम करें या ना करें। ऐसे कि शी शुड स्लीप टिल लेट ऑन संडेज, मतलब वो संडे को लेट तक सो सकती है, मर्जी है उसकी सोए या ना सोए। कुड यू आस्क हिम टू हेल्प यू, क्या तुम उससे पूछ सकती हो कि तुम्हारी मदद करेगा। यानी भाई उसकी मर्जी है, करे ना करे बस तुम पूछ लो, सजेशन है, तुम्हारी मर्जी है, पूछना है पूछो, नहीं पूछना है मत पूछो, मैंने तो बोल दिया भाई पूछ लो, तुम्हारी मदद कर दे वो, है ना। तो माइल्ड सजेशन है। तो भाई एक्सरसाइज पर आते हैं अब हम, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, सेलेक्ट द राइट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो आइए चलिए अब हम इसको करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यू डैश पोस्टपोन विजिटिंग योर फ्रेंड्स। तो देखो यहाँ पे हमने उसको क्या दिया है, हमने एडवाइस दिया है या सजेशन दिया है, हमने उसको यहाँ पे एक सजेशन दिया है, तो यहाँ क्या आएगा, कुड आएगा। वही तुम्हें अपने दोस्तों के पास जाना पोस्टपोन कर देना चाहिए, बाकी तुम्हारी मर्जी है। आई डैश फिनिश द बुक बाय द वीकेंड। अब देखो यहाँ पे एक ड्यूटी सी बन गई है मेरी, कंपल्शन बन गया है मेरे पास कि मुझे ये बुक जो है वीकेंड तक, शनि सैटरडे तक मुझे ख़त्म करनी ही करनी है। तो यहाँ क्या आएगा, हैव टू आएगा, भाई और कोई ऑप्शन नहीं है, ख़त्म ही करनी है मेरे को। यू डैश स्पीक लाउडली इन द लाइब्रेरी। तब देखो लाइब्रेरी में क्या होता है, लाइब्रेरी में हल्ला नहीं करना होता, तेज़ नहीं बोलना होता। तो अब यहाँ क्या है, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, भाई बोलोगे तो लात मार के भगा देंगे वहाँ से। तो यहाँ पे आएगा यू मस्ट नॉट, यानी और कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास, कंपलसरी है भाई ये तो, यू मस्ट नॉट स्पीक लाउडली इन द लाइब्रेरी। नाउ फोर्थ, इट मे रेन। अब देखो मे आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई यहाँ पे, सॉरी पॉसिबिलिटी आ गई यहाँ पे, क्या हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है बारिश। यू डैश कैरी एन अम्ब्रेला विथ यू। तो ये एक माइल्ड सजेशन है कि भाई देख बारिश हो सकती है, ले ले अम्ब्रेला, है ना, बाकी वो आपकी मर्जी है, आप अम्ब्रेला लो या ना लो। तो ये माइल्ड सजेशन है, इसलिए कुड आएगा यहाँ पे। डैश आई बाय दिस ड्रेस, क्या मुझे ये ड्रेस खरीदनी चाहिए। तो देखो ये भी एक तरीके का एक माइल्ड सजेशन है, तो कुड आएगा यहाँ पे, ठीक है, सॉरी यहाँ शुड आएगा। आई डैश एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग। अब देखो एक्सरसाइज तो बहुत बढ़िया चीज़ होती है, करनी है आपको, है ना। तो ये क्या है, ये एक तरह का एडवाइस है, और एडवाइस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एडवाइस भी कह सकते हैं इसको, कंपल्शन भी कह सकते हैं, है ना। तो इसमें हम लगाएंगे आई हैव टू, मुझे एक्सरसाइज करनी है सुबह। यू डैश वरी, आई हैव पेड द बिल, भाई चिंता मत करो मैंने बिल भर दिया है। तो ये आपका आएगा शुड नॉट। यू डैश विजिट अ डॉक्टर, यू लुक इल, देखो भाई तुम बीमार हो और तुम बीमार दिख रहे हो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये क्या है, ये एक एडवाइस है ना, और ये तो आपको माननी पड़ेगी। तो यहाँ क्या आएगा, शुड आएगा। यू डैश वियर ए हेलमेट वाइल राइडिंग बाइक। अब देखो तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए मोटरसाइकिल चलाते हुए, नहीं पहनोगे तो मरोगे एक दिन, ठीक है। पहनते हो ना आप लोग हेलमेट, पहना करो। ये क्या है, ये भी एक एडवाइस है ना, और एडवाइस भी है साथ में एक कंपल्शन भी है, भाई पहन ले, बहुत तगड़ी एडवाइस है ये,
ठीक है, कंपल्शन भी है यहाँ पे। तो यहाँ क्या आएगा, यू मस्ट, भाई और कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास, तुम्हें पहनना ही है हेलमेट, बिल्कुल पहनो। सीमा डैश वर्क हार्ड टू पास। अब देखो टीचर ने एडवाइस दी सीमा को कि सीमा पास होना है तो भाई वर्क हार्ड कर ले, है ना। तो ये क्या किया उसको एक, और उसको उसके लिए कंपलसरी भी है उसके लिए, अगर वो नहीं पढ़ेगी ढंग से तो क्या होगा, फेल हो जाएगी, और कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। तो यहाँ पे कंपल्शन भी आ रहा है, तो यहाँ क्या आएगा, सीमा हैज़ टू वर्क हार्ड टू पास। अब देखो हमने ऊपर हमने हैव टू पढ़ा था, हैज़ टू तो पढ़ा ही नहीं था, यहाँ हैज़ टू क्यों लगा दिया, तो हमने हैज़ टू इससे लगा दिया क्योंकि सीमा जो है वो सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम हैव नहीं लगा सकते हैं, सिंगुलर के साथ हैव नहीं आता है, इसके साथ क्या आता है, हैज़ आता है, तो इसलिए हमने हैज़ टू लगा दिया, समझ गए। तो चलिए यहाँ हमारी वर्कशीट खत्म होती है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, दैट्स ऑल फॉर टुडे।